आज का वीडियो बहुत छोटा बनाने वाली हूं दोस्तों, लेकिन आपके झड़ते हुए बालों की समस्या के लिए एक इतना बेहतरीन हम हेयर मास्क देखने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। आज आपके बालों पे होगा ऐसा कमाल कि आप खुद हैरान हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 मिनट में बनने वाला हेयर मास्क, जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट अपने बालों में लगा के रखना है और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश करना है। रिजल्ट इतने अच्छे होंगे, इतने बेहतरीन मिलते हैं कि आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, लाइक का बटन भी दबा दिया करो। अच्छा जी, बनाने के लिए क्या करना है, बच जाते हैं चावल, हर घर में ऐसा होता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो चावल होते हैं ना दोस्तों, वो चावल वो वाले लेने हैं जिसमें हमने ना तो ऑयल मिक्स किया हो और ना ही नमक। जो पानी निकाल के हम चावल बनाते हैं, उन्हीं चावलों का इस्तेमाल आपने करना है यहाँ। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, हर घर के कोने में कहीं ना कहीं आपको ऐसा ब्राउन सा सड़ा गला सा केला जरूर मिल जाएगा। केला जितना ज्यादा पका होगा उतना बेहतर है। एक पूरा केला ले लेना है, एक छोटी सी कटोरी हमने चावल लिए हैं, हमने इसको डाला मिक्सी के जार में और पानी मिक्स किया और अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लिया दोस्तों। अब ये पेस्ट क्या क्या करेगा ये भी सुन लीजिए दोस्तों। ये आपके बालों को लंबा, घना, मुलायम, चमकदार और एकदम क्रिस्टल क्लियर शाइन देगा, आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। तो ये पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब हमने इसमें मिलाना है ग्लिसरीन या शहद। मेरे पास ग्लिसरीन है और ये कॉस्मेटिक्स वाला ग्लिसरीन है, तो मैं भर के बड़ा एक चम्मच ले रही हूँ ताकि मेरे बालों को अच्छे से मॉइस्चर मिले। दूसरी चीज़ मैं यहाँ मिलाने लगी हूँ तेल। तेल मैं यहाँ कलौंजी का ले रही हूँ, लेकिन आपके पास खुली छूट है दोस्तों। जो भी तेल आपको लगता है आपके बालों के लिए अच्छा, आपने उसी तेल का इस्तेमाल करना है। तो ये भी मैंने खुले दिल से डाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपने बालों में कुछ स्पा, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट, कोई हेयर मास्क नहीं लगाया था। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे बालों में जो मास्क मैं लगाऊँ उसमें मॉइस्चर अच्छे से हो, कंडीशनिंग भी हो जाए बालों की, और सिल्की स्मूद मेरे बाल एकदम से बन जाएँ दोस्तों। दोस्तों अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप दूध भी मिक्स कर सकते हैं। जिन लोगों के बाल एक्स्ट्रा ड्राई या एक्स्ट्रा रफ होते हैं, बहुत ही चिड़िया के घोंसले जैसे होते हैं, वो चाहें तो यहाँ मलाई का एक चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पानी ही डाला है और इस तरह से ये स्मूथ पेस्ट हमने बना लिया है दोस्तों। इसके बाद आपने साफ सुथरे ड्राई हेयर्स में ये मास्क लगा लेना है। बता दिया है 40 मिनट लगा के रखना है, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश करना है। इस हेयर मास्क का इस्तेमाल आपने कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर करना है। जब आप 2-3 महीने लगातार हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दिनों की संख्या बढ़ा दीजिए, यानी हफ्ते से बढ़ा के 10 दिन कर दीजिए, फिर 15 दिन कर दीजिए, उसके बाद महीने में एक दिन भी लगाएंगे तब भी रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। अब क्या इंतजार कर रहे हैं, फटाफट से जाओ और मास्क लगाओ और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करो कि रिजल्ट कैसे मिले दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं जो जेन्युइन होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूं, आप मेरे साथ अपनी व्यक्तिगत राय जरूर साझा करें। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। आई नो ये वीडियो बहुत छोटा था, लेकिन बहुत काम का है दोस्तों, क्योंकि मुझे आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।